नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आपने देखा है कि हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड एक पूरा सीरीज चालू किया है कि कैसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन या जानकारी, या अगर आप बिजनेस में हैं तो कैसे हमारा ये वीडियोज़ आपको मदद करेगा क्लाइंट मिलने में, उसका क्या प्रोसेस होता है, मार्केटिंग का क्या प्रोसेस होता है, RCMC का प्रोसेस होता है, टारगेट क्लाइंट कैसे फॉलो कीजिएगा, इसका जो प्रोसेस होता है, ये सब पे हम बात कर चुके हैं। तो आज जो चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम कवर करने वाले हैं, कल हमने आपसे किया था कि RCMC किसको मिल सकता है, मतलब हु ऑब्टेन्ड द RCMC सर्टिफिकेट। आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट पे बात करने वाले हैं कि हाउ कैन वी अप्लाई RCMC सर्टिफिकेट, कि हम RCMC सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जहाँ तक RCMC सर्टिफिकेट का बात है तो कम से कम आप समझ लीजिए कि इंडिया में मिनिमम जो है 22 से आपको 30 के बीच में, मतलब अभी पहले 22, 24, 25, 26 ऐसे था, अभी 30 जो है RCMC का जो अलग अलग बॉडी है वो काम कर रहा है हम लोग के इंडिया में। मतलब जो अगर आप बिजनेस करते हैं तो किसी न किसी कैटेगरी में जाएगा, और वो जो मेन कैटेगरी में जाएगा वो गवर्नमेंट ने उसको 30 भागों में डिवाइड करके रखा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका बिजनेस किस टाइप का है और क्या बिजनेस आप करते हैं, उसके अनुसार आपको डिसीजन लेना है कि आपका कौन सा RCMC में जाएगा। जैसे हम छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए चाय का आपने व्यापार करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो आपका जो RCMC होगा वो होगा एपेडा बोल के जो RCMC, मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको वहाँ पे आपको RCMC का सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और इसका फुल नेम है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसका जो ऑफिस है 3rd फ्लोर NCUI बिल्डिंग, श्री इंटरनेशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, अपोजिट असीदा विलेज, न्यू दिल्ली 16। ये इसका एड्रेस है, वेबसाइट इसका है www.apeda.gov.in। इस वेबसाइट पे जब आप जाइएगा तो आपको ये खासकर एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ऐसे में अलग अलग सब पॉइंट बताऊँगा कि कौन सा बिजनेस के लिए कौन सा IP जो RCMC है वो होता है। आप जैसे ही ये एपेडा पे जाइएगा तो उसमें आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्म मिलेगा जिसपे अप्लाई करने के लिए RCMC सर्टिफिकेशन के लिए। वहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मान लीजिए आपने अपना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस जो निकाला है वो, आपका ट्रेड लाइसेंस या कंपनी का पेपर या फोटोग्राफ या चेक, ये सारा कुछ आपको लगता है, आपका पर्सनल KYC, ये सारा कुछ लगता है, ये करके वहाँ पे आपको उसका जो फीस है वो जमा देना होता है एप्लीकेशन करके, और विदिन 10 to 15 डेज में आपका ये सर्टिफिकेशन ऑनलाइन आपके मेल पे आ जाता है। आप चाहें तो उसको प्रिंट करके रख भी सकते हैं। और नॉर्मली जो ये होता है ये आपका 1 साल से लेकर 3 साल तक होता है ये सर्टिफिकेशन, कोई 1 साल का है, कोई 3 साल का है, उसके बाद आपको रिन्यूअल इसका कराना पड़ता है। तो ये दोस्तों हमने बताया आपको कि हाउ टू अप्लाई फॉर RCMC सर्टिफिकेट, RCMC सर्टिफिकेट के लिए आप कैसे अप्लाई कीजिएगा, और आज हमने आपको एग्जांपल दिया एपेडा का। ऐसे ही हम आपको एक पूरा सीरीज़ बना देंगे, ये 12-15 जो सीरीज़ है करके, कि कौन सा बिजनेस के लिए कौन सा RCMC काम करता है, उसका ऑफिस कहाँ पर है, उसका वेबसाइट कहाँ पर है, ताकि आपको एप्लीकेशन करने में खुद से भी अगर आप चाहें तो कर पाएँ और आसानी से अपने काम को बढ़ा पाएँ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से हम आपकी मदद करते रहें तो हमारा वीडियोस देखते रहिए, आपको हमेशा इंफॉर्मेटिव चीज़ें इस पे मिलेंगी। और अगर आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड पर्सनल सर्विसेज भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बता सकते हैं 1-to-1 कि क्या क्या और भी काम हम लोग करते हैं और क्या उसका फीस है और कैसे हम आपको उस काम के लिए करवा सकते हैं या कैसे आपको बेनिफिट पहुंचेगा जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करने चाहिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।